नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी को। विवेक जी, ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर सबमिटिंग दिस स्टेज। गुड इवनिंग एवरीवन। 25 मई मंगलवार शाम 8 बजे के इस मीटिंग रूम में मैं आपका होस्ट दोस्त विवेक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बात अपनी शुरू करना चाहूंगा। मुझे ऐसा बताया गया कि 7:55 पर यह मीटिंग रूम ओपन होगा और ठीक 7:55 पे मैंने उस लिंक को क्लिक किया। मुझे लगा कि शायद मैं पहुंचूंगा वहां पे तो सिर्फ होस्ट वहां पे होंगे, लेकिन मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे। सबसे बड़ी जो सबसे स्ट्रांग नींव होती है किसी बिजनेस की वो यही होती है कि हम कितने पंक्चुअल हैं, कितना प्रोएक्टिव हैं। सो आप सभी प्रोएक्टिव पार्टिसिपेंट्स को जो आज के मीटिंग रूम में अवेलेबल है, मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं और बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो पहला कदम है वो एकदम सही दिशा में उठा हुआ। हमारी मेंटोरशिप यहाँ पे मौजूद है, बहुत जबरदस्त मेंटोरशिप है, उनके सबके बिहाफ पे मैं एक प्रिविलेज चाहूंगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। जो लोग मुझे यहाँ नहीं जानते हैं, मेरा नाम तो मैंने बता दिया था। अपनी मास्टर्स डिग्री करने के बाद 21 साल 22 साल मैंने इसी इंडस्ट्री को दिए हैं। 21 साल में से 18 साल अगर मैं बात करूं तो 18 साल में लगातार डायरेक्ट सेलिंग के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूं, जॉब में भी और बिजनेस में। सो एक अंडरस्टैंडिंग मेरे पास इस इंडस्ट्री की थी, लेकिन जब भी मैं किसी नई इंडस्ट्री में यहाँ पर जैसे आया तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मेरी बुक बड़ी ब्लैंक है, मुझे बहुत कुछ सीखना लिखना बाकी है। तो बड़ा ही एक्साइटेड था सीखने के लिए। थोड़ी सी मीटिंग्स मैंने अटेंड की। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई कि मैं किसी तरीके से इस मीटिंग को आपके सामने होस्ट करूं, मैं मौजूद हूं। शुरुआत करते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। मैं जहां तक मुझे लगता है और मेरी बात से दोस्तों आप सभी अग्री भी करोगे कि जब हम किसी डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो हम को जो लाने वाला होता है वो हमारे सपनों को कुरेद के जगा देता है और हम उन सपनों के साथ उस विजन के साथ एंटर करते हैं। और रफ आइडिया ये है कि हम सबका विजन यही होता है कि किस तरीके से हम अपने आप को इस बिजनेस में ज्यादा ग्रो करा सकते हैं, किस तरीके से हम बिजनेस में इसको आगे लेके जा सकते हैं और कितनी जल्दी। मुझे ये भी पता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग जो छोड़ करके चले जाते हैं, अर्ली क्विटर्स होते हैं, अर्ली लीवर्स होते हैं, वो सिर्फ इसीलिए होते हैं बिकॉज इनिशियल डेज में वो पेशेंस नहीं रख पाते। मैं एक मीटिंग सुन रहा था नीतेश जी की, उन्होंने बहुत सही बात की कि ये पेशेंस गेम है, यहाँ पेशेंस रखना चाहिए। बट उसी के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कितनी जल्दी हम ग्रो करें, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जल्दी अचीव हो। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता, क्योंकि हर आने वाले के दिमाग में पहली चीज होती है कि भैया हम करें क्या और करें कैसे। करना है ये तो तय कर लिया, अब करें कैसे। और जब करने की बात आती है और इस मीटिंग रूम की बात आती है तो मुझे लगता है कि मुझे बात करना चाहिए किसी एक ऐसे इंसान की जो डेफिनेटली गुरु, मतलब यहाँ गुरु से मेरा मतलब टीचर से, डेफिनेटली टीचर नहीं है, जो कहीं से आया है ब्लैक बोर्ड और क्लासरूम पे सिखा के चला जाएगा। ये वो लीडर हैं, ये वो ग्राउंडेड पर्सन हैं जिन्होंने कि इस बिजनेस को अपने लिए और इस टीम के लिए स्क्रैच से, जमीन से खड़ा किया है। डेली उस काम को सुबह से लेकर के शाम तक इन एंड आउट वो कर रहे हैं और इसके चैलेंजेस को ओवरकम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर कोई होगा ये बताने के लिए कि हम क्या करें कैसे करें। आज के लीडर मिस्टर नवाब साहब चौरसिया, जो आज हमको ये बताएंगे, इसके बारे में सारी इनडेप्थ नॉलेज देंगे। इनके बारे में एक बात और कहना चाहूंगा, जब से मैं इनको, इनसे मेरी बातचीत शुरू हुई है, अभी हमारा रूबरू मिलना नहीं हुआ है, बट जब से मेरी बातचीत शुरू हुई है मुझे ये बहुत ग्राउंड रूटेड डाउन टू अर्थ पर्सन लगे। अंडरस्टैंडिंग 35-32 साल की उम्र में इतना मेच्योर अंडरस्टैंडिंग मिलना बड़ा मुश्किल है, जो बिजनेस की समझ भी है और बड़ा मेच्योरिटी से बात करते हैं। बाय प्रोफेशन ये एडवोकेट हैं, तो किसी चीज की उधेड़ बुन करना, उसका डाइसेक्शन करना, उसके प्लस माइनस निकालना इनके लिए बहुत आसान है और इसलिए भी मैं इन पे बैंक करता हूँ। सबसे बड़ी चीज उनको मैंने इनके अंदर देखी है, जनरली मैंने विजनरीज को देखा है इंडस्ट्री में, वो क्या करते हैं कि चीजों को, विजन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं, लेकिन ये ऐसे लीडर हैं जिनको मैंने देखा ये नीचे से खड़ा करके विजन ऊपर लेके जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत शानदार मौका है आप सभी लोगों के लिए। प्लीज अपना पेन, अपनी डायरी ओपन करके रखिए, अपने दिमाग ओपन करके रखिए और सुनिए अगले कुछ मिनटों तक नवाब सर को, वो हमें इनसाइट देंगे। आई
take this opportunity with all on your behalf. Please help me welcome Nawab sir on the stage. Stage is yours, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you for nice, wonderful hosting. Sir, awaaz meri clear hai, sir? Ji, sir, bilkul. Okay. Clear hai. Thank you, sir. जैसा कि विवेक सर ने बहुत अच्छा होस्टिंग संभाला है स्टार्टिंग में, और उन्होंने बताया बहुत ही न्यूली है ये, और ये बहुत अच्छे से बिजनेस को कर रहे हैं। और मेरा नाम इन्होंने बता दिया, मेरा नाम नवाब साहब है। प्रोफेशनली मैं एडवोकेट हूँ और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का मेरे पास 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है, और बहुत ही अच्छे समय पे और एक अच्छा निर्णय लिया एटोमी बिजनेस करने का, और इसको बहुत ही गहराई में जाकर जांच कर चेक करके सारी चीजें मतलब देख करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू मेक सॉलिड एंड फास्ट टीम, हम जो है एक सॉलिड टीम कैसे बना सकते हैं और उस टीम को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, जो जैसे कि मतलब जो भी मेरा गोल है उसको हम फास्ट कैसे अचीव कर सकते हैं। तो चूंकि ये ट्रेनिंग का सेशन है तो हम थोड़ा सा यहाँ से बात करना चाहेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज फर्स्ट ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो एकदम आज पहले टाइम अटेंड कर रहे हैं, वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं कि सो दैट मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या बातें करनी है। और कोई लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? ओके, और कोई लोग? और कोई लोग जो इस मीटिंग को आज पहली बार अटेंड कर रहे हूँ? थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास विशाल जी हैं, अंबेर हैं, सोनी सोनू हैं और रमेश चंद्र हैं, और बस 4-5 लोग हैं। तो सर आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग सेशन है, अगर आपने प्लान को देख लिया होगा पहले तो बहुत कुछ समझ में आएगा, और अगर पहले कभी इसके पहले हमारे बिजनेस प्लान को नहीं देखे होंगे तो बहुत कुछ है आपको समझ में आएगा और कुछ चीजें आपको समझ में नहीं भी आएगा। तो आप डायरी पेन लेकर के उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन्होंने भी आपको इस लिंक को दिया है उनके साथ दोबारा आप डिस्कस करके इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक सॉलिड टीम कैसे बनाए, उस टीम को फास्ट कैसे करें। चाहता तो सब कोई है, हर कोई चाहता है कि हमारा टीम सॉलिड हो और हमारा टीम बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज होता है हमें सॉलिड होना पड़ता है। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट नहीं होता है जिसके कारण लोगों के अंदर वो जुनून नहीं आ पाता है कि हम इसको कैसे करें और क्या करें। लोग जैसा कि मैं 7 सालों में मैं अपने दूसरे इंडस्ट्री की बात करूं, लोग यही समझते हैं यार पैसा थोड़े ना लगा है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो लगा क्या है, 2-4-10 लोगों को बता दूंगा, कर लिया ज्वाइन तो ठीक है, कुछ लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता दूंगा, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो लगा क्या है, ऐसे चलते रहेगा बस। लेकिन ऐसे कोई भी बिजनेस कोई भी चीज में सफलता हम हासिल नहीं कर पाएंगे। हम जिस भी प्रोजेक्ट में काम करें उसको दिलो जान से करें, गोल ओरिएंटेड बना के करें और अपने ड्रीम से प्लग करके करें, तभी हम सफलता हासिल कर पाएंगे। हम चाहे जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रोफेशन काम करते हैं, 8-10 घंटे हम वहां पे काम करते हैं तब जाके हमें कुछ सैलरी आती है, और उस 8-10 घंटे काम करने से पहले उसके पीछे हम कई साल की पढ़ाई किए हुए रहते हैं। 15-20 साल हम लोग पढ़ने के बाद कहीं पे जाकर के हम जॉब शुरू करते हैं और वहां से हम कुछ शुरुआत में कुछ पैसे ही मिलते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं वकालत में गया था 2013 की, मैं बात बता रहा हूं आपको। मुझे सीनियर ने कहा था 3,000 रुपए महीने का दूंगा इंटर्नशिप में। मैंने कहा सर ये 3,000 भी आप मत देना सर, वो 100 रुपए पर डे हुए, और क्योंकि उन्होंने बोला था संडे भी आना पड़ेगा, संडे भी कुछ काम होते हैं। मैंने कहा सर आप ये पैसा मत देना मुझे, पैसे मुझे नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने बस सिखा देना ईमानदारी से कि सर इस फील्ड में काम कैसे होता है। और मैंने 6 महीने विदाउट पैसे लिए हुए काम वहां पे किया और सीखने की कोशिश करी, और ठीक 6 महीने के बाद सर को मैं नमस्कार किया और कहा सर आज मेरे 6 महीने पूरे हो गए हैं और मैं सर अब फुल सेल्फ करना चाहूंगा। सर मुझे मतलब पीठ थपथपा के कहे कि ये मेरे 20 साल के करियर में तुम एक ऐसा लड़का है जो विदाउट पे आउट
पे पैसे काम किए हो आप और सीखे हो और उसके बाद मुंह पे बोल भी रहे हो, हम तुमको प्राउडली फील करते हैं, ये चैम्बर तुम्हारा है, जब भी आने का मन करेगा आ जाना। और यहाँ पे सर, यहाँ पे आप रह करके अपनी प्रैक्टिस को करना, चाबी हमको दे दिया उन्होंने और कहा कि यहाँ पे आप स्वतंत्र हो प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे चैम्बर को यूज कर सकते हो। तो यहाँ कहने का कह रहा है, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं अपनी ये स्टोरी बता रहा हूँ, कहने का ये मतलब था हमने जिस काम को शुरुआत करी थी उस काम को सबसे पहले हमने सीखने की कोशिश करी कि हमें वकालत करने हैं तो हमें वकालत के फील्ड के जो नट्स बोल्ट हैं वो सीखने पड़ेंगे मुझे, तो मैंने सीखने की कोशिश करी। तो हम जैसे ही हम अब ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, हर कोई किसी न किसी प्रोफेशन से होता है, तो यहाँ पे भी इसके नट बोल्ट हमें सबसे पहले सीखने चाहिए। और सीखने के क्रम में क्या है कि दो चीजें आती है, या तो हमारे जैसा या विवेक सर के जैसा लोग मिल जाएंगे जो आपको तंग करके सीखने के लिए बोलेंगे कि बॉस मुझे बताओ ये चीजें। और हम अपलाइन की भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जिनको भी इस बिजनेस में ले आए हम वहां पे उन लोगों को सबसे पहले सिखाने की कोशिश करें, तभी हमारी सॉलिड टीम बनेगी। और उसके पहले जो लोग भी महीने दो महीने डेढ़ महीने से इस बिजनेस में है उन लोगों को भी पहले अपने सीखने की जरूरत है। वहां पे क्या चीजें हैं, दोनों चीज से हम रिलेट करेंगे, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे वर्ड्स पे मत जाइएगा, मेरे फीलिंग्स पे जाइएगा। हम सब जैसे कि मान रहे हैं चार पांच लोग थे जो आज पहली इस मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, बाकी सब लोग हैं जो ऑलरेडी दो चार मीटिंग है, दस मीटिंग उन्होंने ज्वाइन कर चुका है। हर कोई प्लान के बारे में जानता है, हर कोई प्लान को देख चुका है, ऐसा मैं मान रहा हूं। अब हम देख लिए प्लान को, तो हमारा पहला प्रयास क्या होना चाहिए, हम वीडियो ऑफ कर दे विवेक सर, मैं वीडियो ऑफ करके बात करता हूँ। ओके थैंक यू। तो क्या है कि हम सब लोगों को क्या है, हम सब लोग यहाँ प्लान देख चुके हैं, तो अब हम प्लान देख चुके हैं और हमने डिसाइड किया है कि इस बिजनेस को हम करेंगे, तो उसके पहले क्या है दो चार चीजें जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हम एटोमी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ नॉलेज तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे पहली जो जो चीजें हैं, क्या नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी का प्रोफाइल अच्छे तरीके से जान जाना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, वरना कोई आदमी आप बताने चले जाएंगे और आपको कुछ चीजें पूछ देगा और आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें कंपनी का प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छे से जान लेना चाहिए, फिर देन हमें कंपनी का कंपनसेशन प्लान जान जाना चाहिए, किसके कंपनसेशन प्लान क्या है। थर्ड क्या आता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में हमें जानना चाहिए, और उस क्वालिटी में जैसे मैं एटोमी बिजनेस की बताऊं तो एटोमी बिजनेस का टैगलाइन ही है एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस। तो ये एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस क्या कहता है इसके बारे में भी हमें सीख लेना चाहिए, हमें जान लेना चाहिए, ताकि हम अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर कर पाए। देन उसके बाद क्या आती है कि हम कंपनी का पे आउट के बारे में जान जाए। यहाँ पे मैं देखता हूँ, मेरा 6 मंथ का ही एक्सपीरियंस है यहाँ एटोमी बिजनेस में, लेकिन मैं अपने ग्रुप्स में ही लोगों को देख क्या पाता हूँ कि लोगों को बहुत दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी उनको मैचिंग में कंफ्यूजन है कि सर मैचिंग कैसे होती है, बोनस कैसे आते हैं। तो हमें यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है पे आउट कैसे मिलेंगे, और पे आउट में दो चीजें होती है, दो तरह से कमीशन है आप सबको पता है कि एक कमीशन आती है हमारी मैचिंग के रूप में और दूसरा हमारे बोनस के रूप में आते हैं। तो ये मैचिंग कैसे होती है और मैचिंग में क्या क्या चीजें होती है वो जानना बहुत जरूरी है, और बोनस उस पे कैसे मिलता है। तो मेरे समझ से ये चार चीजें जो है ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है हमें, और हमारे टीम में जो लोग भी आए नए पर्सन उन्हें इन चीजों के बारे में अवगत करा देना चाहिए हमें, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का कंपनसेशन प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे हमारा एब्सोल्यूट क्वालिटी है और एब्सोल्यूट प्राइस में हमें मिलता है, और पे आउट कैसे यहाँ जनरेट होते हैं, पे आउट में मैचिंग कैसे बनती है और बोनस कैसे आते हैं। ये चार चीजें के बारे में हमें अच्छे से पहले जानकारी हो जानी चाहिए, और हमारे साथ जो भी लोग आते हैं इस बिजनेस ज्वाइन करते हैं एज ए अपलाइन, हमारा दायित्व तो सबसे पहले ये है कि उन्हें हम इन सब चीजों के बारे में अवगत करा दें बढ़िया से। और जब यहाँ पे इनके इन सब चीजों के बारे में अगर कोई डाउट है उन सारी डाउट को हम एज ए अपलाइन उनको क्लियर करें, और जब उनका डाउट क्लियर हो जाए तब हम उनसे बात करें कि अब आप क्या तैयार हैं इस बिजनेस को करने के लिए।
तो कहेंगे हाँ। अब हम उनसे बात करना है कि आप इस बिजनेस को क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये, हम जो जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारा वाई क्लियर हो जाए तो हम किस उस काम को कैसे करेंगे ये बड़ा आसान हो जाता है। तो हम उनसे बात करें कि सर आप इस बिजनेस को या मैम इस बिजनेस को आप क्यों करोगे, ऐसा क्या चीजें आपको इस एटोमी बिजनेस से चाहिए जो अभी तक के अपने लाइफ से नहीं ले पाए हैं, या और कुछ एडिशनल चाहते हैं आप, उनको कागज कलम पे नोट करें या उनसे करवाएं। और अभी डिजिटली का जमाना है तो फोन कॉल या व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप कॉलिंग या जूम पे बात करके हम कर सकते हैं। वहां सबसे पहली चीजें आती है जो मैं भी इसी बिजनेस में हूं और इसीलिए हूं कि सबसे पहले लोगों को चाहिए होता है एक एक्स्ट्रा मनी, चाहे वो एक्स वाई जेड जो भी पैसे कमा रहे हों, उसके अलावा सबसे पहला मोटिव होता है उनका वाई कि हम इस बिजनेस से पैसा कमा पाए। तो पैसा कितना कमा पाए, अब सवाल आता है कि हम पूरे 8 दिन या 10 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे काम करके 30 दिन काम करके हमारी सैलरी मान लो 20,000-25,000-50,000 रुपए आती है, तो हमें इस बिजनेस से कितने पैसे चाहिए और कब कब कितने पैसे चाहिए ये भी जरूरी है। वरना लोग आते हैं 15 दिन 20 दिन महीना दिन इस बिजनेस में बड़ी फोकसली काम करते हैं और वो सैलरी के हिसाब से देखने लगते हैं, एक महीने तो मैं काम किया मेरी तो कंपनी में सैलरी आ गई, यहाँ तो पैसे ही नहीं आए। तो हमें उनसे बात करनी है कि कब और कितने पैसे चाहिए। तो यहाँ पे गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब गोल में भी 3 चीजें आती है। पहली चीजें आती है कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो, मिडिल टर्म गोल हो और एक लॉन्ग टर्म गोल हो। शॉर्ट टर्म गोल में जो मेरे समझ से जो बातें आती है कि हम जल्दी से मैचिंग कैसे लेने लगे, और ये शॉर्ट टर्म मेरा जो सजेशन है 15 से 30 दिन का होना चाहिए कि 15 से 30 दिन के अंदर हम कैसे यहां से 4,000 रुपए कमाना सीख जाएं पर डे के हिसाब से, और वो एक्युमुलेट होकर के वो आगा, लेकिन 15 से 30 दिन में हम फर्स्ट मैचिंग ले लें। और ये अपलाइन एज ए अपलाइन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो आदमी काम करने को तैयार है और काम कर रहा है तो उसके साथ हमें लग करके उसकी पहली मैचिंग 15 से 30 दिन के अंदर में हम उसे दिलवा दें। अगर हम इस काम को करने में खुद सफल हुए या अपलाइन इस काम को करवाने में अपने डाउनलाइन को सफल हुए, वो आदमी इस बिजनेस को कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम 1 महीने काम किया, अपने पार्ट टाइम में काम किया, थोड़ा बहुत काम किया और यहाँ पे हमारे अपलाइन के हेल्प से 4,000 रुपए आ गए, वो आदमी कभी भी इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा। मिडिल टर्म जो गोल होना चाहिए मेरे समझ से, ये मेरा सजेशन है, आप लोग अपने अपलाइन के हिसाब अपने अपलाइन से चेक कर सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं कि कब चाहिए। मिडिल टर्म गोल क्या होना चाहिए कि हमें जल्दी से ऑटो सेल्स मास्टर बन जाने चाहिए। ऑटो सेल्स मास्टर पे जो इनकम होती है मोटा मोटी 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के आसपास की होती है, तो एक हैंडसम अमाउंट है। लेकिन क्या 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए है हम 1 महीना में कमा सकते हैं इस बिजनेस से? मेरे समझ से नहीं, 1 महीने 2 महीने में नहीं कमाया जा सकता। यहाँ कोई भी पूंजी स्कीम नहीं है कि हम आए और फटाफट लोगों को ले आए और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या कहते हैं मनी सर्कुलेशन बिजनेस नहीं है जहाँ पे हम लोगों को पैसे लगवाएं और फटाफट पैसे कमा लिए। सॉरी गाइज, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर हमें सेल्स मास्टर बनने हैं और ऑटो सेल्स मास्टर जाने हैं, कुछ वक्त देना पड़ेगा, कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी अच्छी से, कुछ चीजें अपने टीम में डुप्लीकेट करानी पड़ेगी, हमारी हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी और एक सॉलिड टीम बनानी पड़ेगी, और उस सॉलिड टीम के थ्रू हम सेल्स मास्टर जा सकते हैं और ऑटो सेल्स मास्टर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सजेशन है कि 6 महीने से 8 महीने का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और न ही 6 महीने से कम होना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट में बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है। और अगर हम अपना गोल भी अगर बहुत डिले का बना रखे हैं वहां भी बहुत गलती होती है। तो हम आरा जो सजेशन है 6 से 8 महीना मैक्सिमम 9 महीने का एक गोल बना के चले कि हमको इस बिजनेस में सेल्स मास्टर बन जाना है 6 से 9 महीने के अंदर। वहां पे जो इनकम होगी उस इनकम को जरूर देखें और उसको राइट डाउन करें कि हम सेल्स मास्टर पे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए हम कमाएंगे।
और जब हम ये चीजें हमारे दिमाग में चलते रहेगी कि हम सेल्स मास्टर या ऑटो सेल्स मास्टर हो जाएंगे तो 1.5-1.5 लाख रुपए कमाएंगे, तो फिर हमें काम करने में मजा भी आएगा, काम करने में मजा भी आएगा, और उसको विजुलाइज करते रहें और अपने गोल के अकॉर्डिंग उस हिसाब से अपने अपलाइन के साथ बैठ करके टुकड़ों टुकड़ों में उसको डिवाइड करें। और मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या करेंगे ताकि हम सेल्स मास्टर जा पाएंगे। और लॉन्ग टर्म जो गोल होना चाहिए, इंपीरियल मास्टर, जो सब हमारे सभी एटोमियन भाई बंधु सखा को सबका ये ड्रीम है, सबसे लास्ट ये पिन है इंपीरियल मास्टर का, तो हम सबका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए इंपीरियल मास्टर। ये नहीं कि हम आते ही बोलने लगे आई एम इंपीरियल मास्टर, वो बोलना है, लेकिन हमें उसको लॉन्ग विजन के साथ भी देखना है। हम इंपीरियल हैं, हम सब इंपीरियल हैं, लेकिन उसको 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 एक लॉन्ग विजन के साथ हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि हम आते ही 6 महीने में लोगों से बोलने पड़े भाई मैं एटोमी शुरू किया हूँ, बहन जी मैं एटोमी शुरू किया हूँ, भाभी मैं एटोमी शुरू किया हूँ, और मैं 6 महीने में ना इंपीरियल बन के आपको 50 लाख का कार दिखाता हूँ, 50 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, 20 लाख की गाड़ी खरीदूंगा, बोलना है, लेकिन उसके साथ एक लॉजिकल बातें भी बोलनी है। अपने अपने ड्रीम को रियलाइज भी करना है कि हमारी ड्रीम क्या, मैं 6 महीने में बोल रहा हूँ या साल भर में बोल रहा हूँ तो क्या मैं कर पाऊंगा ऐसा। मेरे ख्याल से जो ये लॉन्ग टर्म ड्रीम है एटलीस्ट 3 से 5 साल का होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो मोटा मोटी मेरे ख्याल से 3 साल में इसको पूरा कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये 3 साल में होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर डिले भी हो रहा है तो एटलीस्ट 5 साल में ये ड्रीम तो हम सब लोगों को पूरा हो जाएगा। जो भी यहाँ पे 5 साल इस बिजनेस को दे दिया वो इंपीरियल मास्टर होगा, ऐसा मेरा ये मानना है। अब ये चीजें आ गई कि गोल भी डिसाइड हो गए, अब गोल डिसाइड हो गए तो अब हम उनसे पूछे भाई आपको चाहिए तो 1 महीने में 15 दिन में 4,000 रुपए, 6 महीने 9 महीने में ऑटो सेल्स मास्टर जाना चाहते हैं, 1.5-1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, 5 साल में 3 साल में इंपीरियल मास्टर जाना चाहते हैं, इसके लिए आप टाइम कितना देंगे, टाइम कितना देंगे? क्योंकि बिना टाइम दिए हुए तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं होगा कि हम गोल बना लिए, ड्रीम बना लिए और हम यहाँ पे टाइम ही नहीं देंगे और हम मैचिंग ले लेंगे 15 दिन और 1 महीना में, 6 महीना 7 महीना 8 महीने में हम सेल्स मास्टर चले जाएंगे, 5 साल में इंपीरियल चले जाएंगे, दोस्तों नहीं जा पाएंगे। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर टाइम देंगे तभी हम जा पाएंगे। तो हमारे ख्याल से हमें जो लगता है कि 3 से 4 घंटा डेली इस बिजनेस को देने चाहिए दोस्त। आज के डेट में, आज जो पेंडेमिक की समय चल रही है और इस पेंडेमिक के समय में हम सब लोगों की आंखें को खोल दिया है ये सिचुएशन ने, बता दिया है कि हम लोग, मैं थोड़ा सा एक वर्ड इस्तेमाल नहीं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोलूंगा कि हमें हमारी औकात ये पेंडेमिक ने दिखा दी है कि हम कितने औकात में हैं। हर लोग, चाहे जो भी बड़े से बड़े लोग हैं, मैं कई अच्छे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों की स्थिति खराब हो चुकी है इस पेंडेमिक में, तो हमें दोस्तों उस जॉब बिजनेस को भी करने हैं, लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिला है कि हम एक पैरलर, उसके पैरलर कुछ काम करके कुछ अपने अनप्रोटेक्टिव जो टाइम है, जो टीवी देखने में, दोस्तों के साथ गॉसिपिंग में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हम उसको वेस्ट कर देते हैं। वो वेस्ट नहीं होता, वो आपके लिए, जब तक एटोमी नहीं कर रहे हो आपके लिए यूज होता है, लेकिन जब एटोमी में आ जाए तो उसके बाद वो वेस्ट होता है। तो उसी टाइम को, अनप्रोटेक्टिव जो टाइम है, 3 से 4 घंटे होते हैं हर किसी के पास, उस टाइम को निकाल करके इस एटोमी बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करिए अपने अपलाइन के साथ, एकदम माइंड को मेकअप करके, फिर यहाँ से सब कुछ हासिल हो सकती है। अब यहाँ आ गए कि हम 3-4 घंटे टाइम देंगे, अब आती है हमने तो ज्वाइनिंग कर लिया फ्री में, सब कुछ क्लियर भी हो गई, प्रोफाइल प्लान सब कुछ आ गई, टाइम भी देंगे, गोल भी डिसाइड हो गया। अब हम लग जाते हैं किस चीज में, लोगों को ज्वाइन कराने के चक्कर में। बॉस, उसके पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम जिस बिजनेस में हैं, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और यहाँ पे टर्नओवर पे ही पैसा मिलेंगे, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ये, कोई स्कीम स्कैम नहीं है यहाँ पे। तो हमें इस अपने इस बिजनेस का सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा।
जब हम ही इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, हमने नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैंने देखा है लोग यहाँ पे आते हैं और फटाफट टीम बनाने में लग जाते हैं, लोगों को बताने के चक्कर में लग जाते हैं कि मेरे पास एक जादुई छड़ी मिली है, वो जादुई छड़ी मैं तुमको देता हूँ, तुम आगे किसी को देना और हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, हजारों रुपए कमाने लगेंगे। दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ जादुई छड़ी है अगर आप सीख करके और प्रॉपर वे में करते हैं तो वाकई यहाँ पे एक जादुई छड़ी है। और वो जादुई छड़ी शुरुआत कहाँ से होगी? आपके प्रोडक्ट्स यूज करने से। क्योंकि जब तक आपको, हमें, अगर हम इस बिजनेस में हैं और हम ही इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किए हुए हैं तो हम बहुत अच्छा नहीं बता सकते लोगों को। अगर मैं किसी अपने दोस्त को बोलूं, रोहन मैं बहुत अच्छा एक बिजनेस शुरू किया हूं, इस बिजनेस में बहुत सारे पैसे हैं, आ जाओ ज्वाइन करते हैं और बिजनेस करते हैं, वो पूछेगा ना किस तरह का बिजनेस है, हम बोलेंगे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। वो पूछेगा हमसे क्या आपने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, तो हम वहां पे क्या जवाब देंगे? हम यहाँ तो या तो झूठ बोलेंगे कि हाँ हाँ मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज किए हैं ना, हर प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसके टूथपेस्ट तो कमाल के हैं, इसके टूथपेस्ट के 31 काम है यार, इसमें तो पोर्टफोलियो डाला हुआ है, एंटीबैक्टीरियल है, और शैम्पू तो बासी मत मानो, बाल उग जाते हैं लोगों के यार, लेकिन हमने ही उसको यूज नहीं किया है, हमने ही उसको यूज नहीं किया है, तो हम वहां पे झूठ बोल रहे हैं। तो हम चाहे जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, परमात्मा ऊपर से देख रहा होता है कि हम अपने बिजनेस को कितनी सच्चाई के साथ कर रहे हैं। अगर हम झूठ के सहारे इस बिजनेस को कर रहे हैं तो सामने वाले बंदा को ये आभास हो जाता है कि मेरा ये दोस्त जो है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है यार, सच नहीं बोल रहा है। क्योंकि आपकी मुंह तो बोलती है लेकिन आंखें दिखती है, और आंखें जो चीजें कह देती है वो मुंह शायद नहीं कह पाती है। तो हम जो आंखें हमारी बोलेगी ना, वो सामने वाला पकड़ लेगा कि ये झूठ बोल रहा है, और वो शायद हमारे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, और ज्वाइन भी करेगा तो उस नजरिया से नहीं करेगा। तो और अगर हमने प्रोडक्ट को यूज किए हैं तो हमारा वहां पे कॉन्फिडेंस बोलेगा, हमारा एक्सपीरियंस बोलेगा, हमारा एक्सपीरियंस वहां बोलेगा, वो बंदा कॉन्फिडेंस और हमारे एक्सपीरियंस से हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा, कंपनी चाहे जो भी हो, वो बंदा हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे एक्सपीरियंस से ही कोई बंदा ज्वाइन करता है। अभी हम पीछे एक मित्र से बात कर रहे थे कि दोस्त कोई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कैसे ज्वाइन करता है, क्या वो कंपनी को देख के ज्वाइन करता है, या पे आउट को देख के ज्वाइन करता है, या जो व्यक्ति उसको प्लान दिखाने गया होता है उससे देख करके ज्वाइन करता है। उसने मुझे खुले शब्दों में कहा, नवाब भाई पहली बार में, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, उन्होंने कहा नवाब भाई कोई भी आदमी ना पहली बार कंपनी को नहीं देखता बहुत अच्छे से, उसके प्लान को अच्छे से नहीं देखता है, जो व्यक्ति उसको दिखाने गया या जो व्यक्ति उसको बता रहा होता है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखता है, उसकी बातों में सच्चाई को देखता है कि जो क्या वो सच बोल रहा है, और वहीं से वो ज्वाइन करता है और बड़ा बिजनेस करके ले जाता है। दोस्तों हमें भी अपने बिजनेस में सच्चाई के थ्रू करना है, और सच्चाई क्या है कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन करके इन सब चीजों को, अगर हमारा डाउट सारे क्लियर हो गए हैं, हमने अपना ड्रीम बना लिया है, हमने अपना गोल बना लिया है, तो हमें उसके बाद इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट को यूज करने चाहिए। अब हम वो ये नहीं कर रहे कि पेंडेमिक में आप 10 20 50 हजार लाख रुपए का प्रोडक्ट यूज कर लें, लेकिन एटलीस्ट मेरा जो मानना है, हम जिन लोगों से बात करते हैं कि दोस्त 10 से 12 प्रोडक्ट तो यूज करने ही चाहिए। अब लोग कहते हैं पेंडेमिक में कैसे करें दोस्त, सैलरी नहीं आ रही है। दोस्त इस पेंडेमिक में ही हम इस बिजनेस को शुरू किए हैं, अदरवाइज हम पेंडेमिक के बाद इस बिजनेस को शुरू करें शायद, क्योंकि 10 12 प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए हमें लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इस पेंडेमिक में हम हाथ पे हाथ रख करके पेंडेमिक को देखते रहें, या इस पेंडेमिक की लाइफ, पेंडेमिक के समय में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हम थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट करके हम इसको बड़ा बिजनेस कर लें और एक साइड इनकम खड़ा कर लें कि जब पेंडेमिक अगर दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हमें रोना नहीं पड़े, हमें एटलीस्ट रोना नहीं पड़े। और उसके लिए यहाँ पे हमें 10 12 प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, और वो भी अपने बजट के अनुसार। ये मेरा सजेशन है, ऐसा नहीं कि जो लोग भी अब ज्वाइन होने लगे उनको ये हम लोग बोलने लगे नहीं 10 12 प्रोडक्ट्स तो यूज करने ही करने हैं। नहीं दोस्त, उसके साथ उसको बताइए कि 10 12 प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए, और उसे एक अच्छा सा दोस्ती करके बताइए ताकि उसको अपने दिल की बातें रख पाए कि नहीं यार मैं करना तो चाहता हूँ 10-12 प्रोडक्ट नवाब भाई, लेकिन अभी ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास अभी 2-3-4 हजार रुपए ही पैसे हैं, लेट्स गो यार, चलो
इतना ही से करते हैं, इतना ही से करते हैं, उसके अंदर एक फेस दें, एक अपना उधार फेस दें, उसको एक विश्वास दें, चलो यार करते हैं, और वहां से इस बिजनेस को करना शुरू करें। और उसके बाद क्या होता है गलती, यहाँ पे एक बड़ी बड़ा मिस्टेक होता है, हमने ऑर्डरिंग जैसे ही उसकी करा देते हैं, न तो हम वहां पे उससे पूछते हैं कि आपके ऑर्डर आए या नहीं आए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दो चार पांच दिन में जो भी एक्सपेक्टेड टाइम है उस टाइम के बाद हम उससे कॉल करके पूछे जरूर, या अगर हमारी रेगुलर बात हो रही है तो हो ही रही है, वरना हम पूछे उससे जरूर, दोस्त आपके प्रोडक्ट आ गए क्या? अगर वो आ गए होंगे तो वो कहेगा कि हाँ आ गया, और नहीं आया है तो आप उसको अपने सिस्टम में जाके ट्रैक करके देखें कि उसका प्रोडक्ट कहाँ पे है अभी अटका हुआ, कितने दिनों में आ सकता है, और उसको बताएं दोस्त इतने दिन में आ जाएगा, दो चार दिन में और लगेंगे आ जाएंगे। और जैसे ही प्रोडक्ट आ जाए वो यूज करने लगे उससे फीडबैक जरूर लें, फीडबैक जरूर लें, क्योंकि हम उससे फीडबैक नहीं लिए ना कि कम प्रोडक्ट आपका कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या अच्छा लगा, तो उसको लगेगा कि यार इसका तो मोटिव था हमारा दो चार पांच हजार दस हजार रुपए का प्रोडक्ट इसको बेचना, और इसने बेच दिया, और अब देखो ये कॉल भी हमें नहीं करता है, एक मैसेज कर देता है मीटिंग है आ जाओ, ग्रुप में ऐड कर दिया है, वहां पे 50 तरह के मैसेजेज आते हैं, फिर वहां पे उसको जो मैसेजेज, हम लोग को तो बड़ा मजा आता है, हम लोग को तो एक ग्रुप में कोई भी मैसेज आता है क्यूरियोसिटी होती है अरे क्या मैसेज आए हैं, लेकिन वही वो बंदा वो इरिटेट होगा उस मैसेज से, उसको लगेगा कि यहाँ पे लोग मीटिंग की ही बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट इसको मोटिव था मुझे प्रोडक्ट को रिटेल कर देना या खरीदवा देना। तो वहां पे हम इन गलतियों से बचें तभी हम इस बिजनेस को सॉलिड कर पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, आई थिंक 20 मिनट हो लिए, ये बेसिक चीजें थी जो चीजें हमें हमारे बिजनेस को सॉलिड करने में बहुत ही हेल्प करेगा। अब बात आती है कि हम बेसिक चीज के अलावा, अब हम ये बेसिक चीजें मैंने बात करी, अब हम इस बिजनेस को सॉलिड कैसे कर सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। हमें सॉलिड करने के लिए हम तो ये सब चीजें सीख गए, अब हमारे टीम में जो लोग आ रहे हैं उन्हें उसे सिखाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं कि 8 बजे की हम मीटिंग में केवल ग्रुप में ऐड कर दिए और मैसेज कर दे रहे हैं मीटिंग में आ जाओ और वो सीख लोगे, दोस्त शायद वो नहीं सीख पाएगा। हमें ग्राउंड लेवल पे उसके साथ जा करके काम करने पड़ेंगे। काम क्या करना पड़ेगा, हमें उसको प्लान दिखाना सिखाना पड़ेगा, प्लान दिखाना सिखाना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट्स के कुछ नॉलेज देने पड़ेंगे, और उसको ये बोलना पड़ेगा इसके लिए कि हम उसको प्लान कैसे दिखाते हैं और प्लान वो कैसे सीखेगा और प्रोडक्ट के बारे में कैसे नॉलेज देगा। इसके लिए हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि हमारे 8 बजे की डेली मीटिंग होती है, और उस डेली मीटिंग में 3 दिन हमारे पास एसटीपी के बड़े अच्छे ट्रेनर होते हैं जो इस प्लान को दिखाते हैं सिंपल तरीका से, और 1 या 2 दिन हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। उन्हें बोले कि 8 बजे की मीटिंग में आप डेली आइए और यहाँ पे प्लान और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड 1 सप्ताह में अपना नोट्स बनाते रहें, और एटलीस्ट 1 सप्ताह में आप इस बिजनेस का प्लान सीख जाएं इस प्लान को। और यहाँ पे उनको जरूर ये बोले, दोस्त 7:55 में मीटिंग स्टार्ट लॉगिंग हो जाती है, 7:55 में आपको लॉगिंग कर लेने चाहिए अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं तो। और कब तक रहना चाहिए, हमारी टाइम हमने अरुण मीना सर से फिक्स करवाए हैं, और इसके लिए हमारी मतलब की बहुत हार्ड बातें भी हुई थी, मैंने कहा था सर फिक्स करें मीटिंग को कितने बजे तक चलेगी, और सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि मेरे एक अनुरोध पे उन्होंने कहा नवाब 9:15 हर हाल में मीटिंग एंड कर देंगे हम। तो हमें अपने प्रोस्पेक्ट को या जो भी न्यू लोग आए हैं उनको बोलना है 7:55 से 9:15 तक दोस्त रहने हैं, ऐसा नहीं कि आधे घंटे हम रहे और फिर हम निकल गए। और अगर हम 7:55 से 9:15 तक हैं तो कॉपी कलम लेकर के रहें, क्योंकि हम आप सीख रहे हैं वहां पे, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने, बच्चे जाते हैं स्कूल में, हम मैक्सिमम लोग यहाँ पे मैरिड होंगे बच्चे भी होंगे, तो क्या हम उसको बिना किताब कॉपी और कलम के भेज देते हैं? तो क्या हमें भी सीखने के लिए कुछ कॉपी और पेन नहीं चाहिए क्या? कॉपी कलम ले करके यहाँ पे नोट्स बनाए, और क्या हम बच्चों को कहते हैं आधी घंटे से निकल जाना, तो हम क्यों निकल जाते भाई? हमें 9:15 मीटिंग खत्म होती है, मतलब स्कूल की छुट्टी 9:15 होती है, 7:55 में स्कूल लगता है और 9:15 खत्म होता है, तो 9:15 तक रहने हैं।
9:15 तक, और हमें वहां से कुछ ना कुछ चीजें सीखनी है और सीख करके अपने अपलाइन से डिस्कस करने हैं कि भैया या सर मैं ये चीजें आज सीखा हूँ, बताओ इसमें क्या सही है और क्या गलत है। देन जब ये होने लगे तो पहला चीज, चूंकि ये बिजनेस है, पहले तो उन्होंने प्रोडक्ट्स खरीदा था यूज के लिए, यहीं पे अब उनको ये कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करवाने हैं उनके स्टॉक के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे वो लोगों से बात करना शुरू कर दिए होंगे, कुछ लोगों से बिजनेस के बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ लोगों से प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, और अगर उनके पास स्टॉक नहीं है तो कस्टमर अगर या कोई भी आदमी से बात कर रहे हो, कहेंगे चलो टूथपेस्ट के बारे में बता रहे हो कि इस कंपनी का टूथपेस्ट बहुत अच्छा है या शैम्पू अच्छा है, मुझे दे दो पहले मैं ट्राई करूंगा फिर आपके कंपनी को ज्वाइन करूंगा, और अगर उसके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो शायद वहां पे वो उस कस्टमर को या उस प्रोस्पेक्ट को मिस कर जाएगा। अगर उसको बोलता है कि लोग, हम देखते क्या लोग बोलता है, अपनी आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, मैं आपकी ज्वाइनिंग डाल देता हूँ, आपके नाम से ऑर्डर लगा देता हूँ, दोस्त शायद वो सही तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे समझ से वो बहुत ही गलत तरीका है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि मैं आपके बिजनेस का प्रोडक्ट पहले यूज करना चाहूंगा, तो उसे हम अपने पास से उसको प्रोडक्ट दें, और उसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि हमें इस बिजनेस में इनिशियल पीरियड में एजेंट एक लेवल है उसको अचीव करना है, और एजेंट लेवल अचीव करने के लिए मोटा मोटी 35,000 से 40,000, 45,000 रुपए के प्रोडक्ट्स होते हैं वो। तो क्या हम 35-40,000 रुपए का प्रोडक्ट घर में यूज कर पाएंगे इस पेंडेमिक में? शायद बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्त हमें थोड़े बहुत रिटेल करना भी सीखना है, और रिटेल यहीं से होगा, घर घर नगरी नगरी द्वारे द्वारे जाके नहीं होगा, दही ले लो चूरा ले लो नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई यहाँ पे प्रोफेशनल है, जॉब में है बिजनेस में है, और हमें यहाँ पे रिटेल ऐसे ही करने पड़ेंगे। जो भी लोग आए हम उसको बताएं, अगर वो कहता है कि नहीं हम आपके कंपनी का प्रोडक्ट पहले ट्राई करना चाहेंगे, वो जो भी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहता है उसको वो प्रोडक्ट दें, और देंगे कहाँ से अगर हमारे पास कुछ कुछ स्टॉक ही नहीं है, 10,000, 15,000 रुपए का, 5,000 रुपए का जो रनिंग प्रोडक्ट्स हैं, अगर हमारे पास 2, 4, 5, 10 प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम क्या दे पाएंगे? तो हमें उसके बाद उन्हें पहला ऑर्डर वो लगवाना है स्टॉक के लिए कि दोस्त आपके पास स्टॉक होने चाहिए, और क्यों होना चाहिए अगर हम उसको बता दें और ये समझा दें तो हर कोई स्टॉक रखेगा, हर कोई स्टॉक रखेगा, ये मेरा मानना है। अब उसको क्या बोलना है या हमें क्या करना है, अगर हम नए हैं तो हमें फटाफट 10-12 लोगों को लेफ्ट में और 10-12 लोगों को राइट में लोगों को ज्वाइन कराने हैं, पहले ज्वाइन कराना है, प्लान दिखा करके ये नहीं सोचना है वो कस्टमर बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, हम उनको ज्वाइन करें, और ज्वाइन कराने के बाद हम उनसे बात करें, दोस्त आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे या बिजनेस को करना चाहेंगे? अगर आप जो बोलेंगे वही चीजें हम आपको बताएंगे, अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करना चाहेंगे तो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, और अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे तो हम दोनों चीजें के बारे में बात हम करेंगे। तो वहां पे ये क्लियर जरूर हो लें, क्योंकि चूंकि ये दोस्त बाइनरी प्लान है, यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, और भीड़ देख करके बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, हमारे टीम में तो 50 लोग हो गए, हमारे टीम में 20 लोग हो गए, हमारे टीम में पीवी नहीं निकल रहा है, हमारे टीम में बिजनेस नहीं निकल पा रहा है। दोस्त हम शायद वहां पे ये मिस्टेक करते हैं, हम ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारी जो ये टीम बनी है वो टीम किस तरह की है, वो कस्टमर वाली टीम है या बिजनेस बिल्डर भी है या फिर उसमें से दोनों है। तो हमें उन भीड़ में से छांटना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और यहाँ पे अपने अपलाइन का जरूर सहारा लें दोस्त, अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन का जरूर सहारा लें, उनसे बात कराएं, और वो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो शायद छांटने में हेल्प कर पाएंगे आपको कि कौन लोग कस्टमर है और कौन लोग बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे जब उनसे आप कॉन्फ्रेंस में बात कराएंगे तो। और इस काम को करने में एज ए अपलाइन हम ये नहीं न्यू बर्ड्स को कह दें कि अब आप ना, अब तुम बिजनेस प्लान सीख गए हो, प्लान दिखाना सीख गए हो, अब तुम प्लान दिखाओ, ज्वाइन कराओ, सब कराओ, दोस्त शायद नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो हमें पैसा देती है लोगों को ट्रेंड करने का ही पैसा देती है, हमें उनको हेल्प करने हैं उनके टीम बनवाने में, उनके लेफ्ट राइट की टीम बनवाने में हमें हेल्प करने हैं, उनके नेम लिस्ट पे उनके उनके लिए 2-4 प्लान दिखा करके, उनके लिए जो नए लोग आ रहे हैं उनको काउंसलिंग करके, उनको हेल्प करके, इन लोगों को हमें लेफ्ट राइट की टीम स्ट्रॉन्ग करानी है, 10-12 लोगों को टीम बनाने में हेल्प करनी है। इसके बाद क्या करना है कि हमें वहां पे लोगों को फाइंड आउट करने हैं, जब 10-12 लोगों की भीड़ आएगी आपके लेफ्ट में, 10-12 लोग राइट में आएंगे,
और ये काम बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई के पास अगर फोन बुक निकाले तो 400-500 नंबर होता है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम हर किसी के फोन बुक में 400-500 नंबर होते हैं। और दोस्त हमारे प्रोडक्ट्स इतने लाजवाब हैं कि अगर हम सोल्यूशन देने के लिए निकलेंगे ना तो ये 10-12 क्या हम 50-100 लोगों की टीम एक महीने में खड़ा कर सकते हैं। और उस टीम में होशियारी वही करना पड़ेगा कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब जब से ही हमारी टीम हो जाती है हम वहां पे सावधानी करके कोशिश करें कि हम 3-4 लोगों को लेफ्ट में और 3-4 लोगों को राइट में फाइंड आउट कर लें। और ये काम आपको अगर सॉलिड बिजनेस करना है और फास्ट करना है तो एटलीस्ट 1-1.5 महीने में ये काम हो जाना चाहिए कि आपके लेफ्ट राइट में 3-4 लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हों और राइट में 3-4 लोग हों बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाएं। अब इनके साथ हम क्या बात करेंगे, जो बात हमने बेसिक की बातें करी थी, जो लेफ्ट राइट में हमारे लोग आए हैं उनसे बेसिक की हम बात करेंगे, जो हम शुरुआत में बातें करे थे कि उनको कंपनी के बारे में सारी चीजें डाउट क्लियर करेंगे, उनका वाई क्लियर करवाएंगे, उनका गोल बनवाएंगे, उनको टाइम कितना देंगे वो कराएंगे और उनको कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज कराएंगे। जब ये 3-4 लोगों को लेफ्ट में और 3-4 लोगों को राइट में कराएंगे तो देखेंगे ये बेसिक चीजें हैं, जब हम करेंगे तो हमारी मैचिंग निकलना शुरू हो जाएंगी, मैचिंग आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। तो मोटा मोटी आपके 1-1.5 महीने में मैचिंग आने शुरू हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा अगेन आपके ऊपर कि आप कितना अच्छा से कर रहे हैं इसको, और जल्दी से 3-4 लोगों को लेफ्ट में 3-4 लोगों को राइट में फाइंड आउट कर लें और उसके साथ वही बेसिक चीजें हम उनको करने में हेल्प करें। अब एज ए अपलाइन ऊपर के जो लोग हैं, एज ए अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कोई न्यू पर्सन को ज्वाइन कराया था वो स्टार्ट कर लिया, उसके नीचे भी लेफ्ट राइट की टीम बन गई, तो अब हमें उसका काम क्या करना है कि उसको हमें मैचिंग करवाने हैं सबसे पहला काम, क्योंकि उसने काम करना शुरू कर दिया है तो हमें उसकी मैचिंग उसको हेल्प करके करवाने हैं। और उसको मैचिंग में बातें करनी है कि दोस्त एजेंट लेवल पे जा करके मैचिंग लो, ये एज ए एजेंट पे आउट लो, क्योंकि अगर आप एसआर अगर पेमेंट पे आउट लेते हो तो 1321 रुपए आते हैं और यही अगर आप एजेंट लेवल पे करते हो तो आपको 4000 रुपए आते हैं। तो वही चीजें जब वो स्टॉक रखे हुए रहेगा तो कुछ ना कुछ डिटेल होते रहेंगे और वो बड़ी आसानी से जब तक उसकी मैचिंग होगी बड़े आसानी से वो पे आउट 4000 रुपए की ले पाएगा, एजेंट लेवल पे वो चला जाएगा। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि जिनको हम लाए हैं उसको एजेंट लेवल पे, जब तक वो मैचिंग कर रहा है उसको एजेंट लेवल पे हम लेकर के चले जाएं। अब उसके बाद ये तो चीजें हो गई कि हमारा इस हिसाब से बिजनेस सॉलिड होने लगेंगे। आप देखेंगे कि अगर ये सब काम करेंगे तो आपका बिजनेस सॉलिड होने लगेगा। अब हमारे बिजनेस का जो दूसरा टॉपिक है, हमारा बिजनेस फास्ट कैसे होगा। तो जब एक बार नींव डल जाती है ना दोस्त, तो वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होता है। अगर एक बार आपने अपनी नींव सही डाल दी, अपना सॉलिड बिजनेस खड़ा कर दिए, तो उसको तेजी से जाने में कोई भी आदमी रोक नहीं सकता, कोई भी आदमी रोक नहीं सकता उसको। तो हमें फास्ट इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना होगा। अब जैसा कि क्या है कि हमारे नीचे जो लोग आए थे उसको हमने एजेंट बना दिया, एजेंट बन गए, उनके लेफ्ट राइट में 3-4 लोगों को लेफ्ट में 3-4 लोगों को राइट में हमने अच्छे लीडर उनका निकाल दिया और उनको भी बेसिक चीजें सिखा दिया। अब अगर ऐसा हम अपने नीचे के लोगों को देखेंगे तो ये कभी नहीं होगा। जो लोग पहले हम अपने आप को देखें, हम खुद एजेंट जाएं और अपने नीचे, मैं अब नए पुराने दोनों लोगों से बात कर रहा हूं, खुद हम एजेंट जाएं और अपने नीचे 3-4 लोगों को लेफ्ट राइट में अच्छे लोगों को ढूंढ ले, जो इस बिजनेस को हमारे माइंडसेट के हिसाब से, हमारे सोच के हिसाब से और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस बिजनेस को करना चाहता हो। और अब उनके साथ हम क्या करेंगे, वही बेसिक चीजें हम बात करेंगे और उसको एजेंट लेवल पे हम ले जाएंगे और एक अच्छी सी टीम देखेंगे, धीरे धीरे से ही सही एक बहुत ही अच्छा टीम बन के निकलना शुरू हो जाएगा, उसको हम कहेंगे एक सॉलिड टीम बनना शुरू हो जाएगा। और हम ग्राउंड लेवल पे अगर ऐसा काम करेंगे तभी ऐसा होगा, हम उसको केवल 8 बजे की मीटिंग में बुलाते रहेंगे तो शायद नहीं होगा। अब हमें क्या कर रहे हैं कि इन 3-4 लोगों की, जो अब इसके नीचे 3-4 लोग आए थे लेफ्ट में और राइट में, इन लोगों को बेसिक चीजें करा करके इनकी मैचिंग हम कराने लगे। तो जैसा मैंने बात किया था कि एक आदमी के नीचे 3-4 लोगों को लेफ्ट राइट में और 3-4 लोगों को राइट में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा,
सर परमिशन है? हेलो विवेक सर, विवेक सर। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर। ओके मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड अब शेयर करूंगा, सॉरी कि हम व्हाइट बोर्ड से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम अब यहाँ से अपने बिजनेस को कैसे फास्ट कर पाएंगे और कैसे हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएंगे। थोड़ा सा देखिएगा इन सब चीजों को, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो तो कैलकुलेशन पे नहीं जाइएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर बातें हो सकती हैं, लेकिन बेसिक चीजें समझिएगा। हम यहाँ पे थे, हम अपने नीचे पहले क्या किए, तीन चार लोगों को लीडर फाउंड आउट किए, तीन चार लोगों को इधर लीडर फाउंड आउट किए, और इसको क्या हम किए, इसको हमने एजेंट बनाया, एजेंट बनाया दोनों साइड में। और एजेंट बनने के क्रम में मैंने क्या कहा है, इसकी मैचिंग को भी मैंने दिलवाने की कोशिश करी। तो मतलब क्या, मेरे लेफ्ट और राइट में तीन चार लोगों की मैचिंग हो गई है, लेफ्ट में भी तीन चार लोगों को, राइट में भी तीन चार लोगों की मैचिंग हो गई है। इट मीन्स इनके भी नीचे क्या है, इनके भी नीचे तीन चार लोग आ चुके हैं जो लीडर है, फ्रेश लीडर है। तो अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखिएगा जो बड़ा आपको अच्छा लगेगा। मैं जब दिन में कर रहा था तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे नीचे चार लेफ्ट में थे और चार लोग राइट में थे। अब चार के नीचे एक एक लोगों के नीचे मैं कितने लोगों की बात कर रहा हूं, तीन चार लोग लेफ्ट में और तीन चार लोग राइट में, मतलब आठ लोग और आएंगे इनके साथ। मतलब जो हम तीन लोग ढूंढ रहे थे उसमें से पहले आदमी का टीम जो होगा वो नौ कोर बंदे का होगा, एक आदमी का जो होगा उसके नीचे हमारे नौ एजेंट होंगे, ये नौ एजेंट होंगे, नौ एजेंट होंगे। और हम अपने लेफ्ट राइट में चार लोगों को ढूंढे थे, तो अगर हम देखें तो चार मल्टीपल नौ मतलब 36 एजेंट हो जाएंगे हमारे लेफ्ट में और 36 एजेंट हो जाएंगे राइट में। ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत बड़ा बिजनेस इसको कर सकते हैं और बहुत ही फास्ट जा सकता है। और किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि हमारे लेफ्ट में 36 लोग एजेंट हो चुके हैं और राइट में भी 36 लोग हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या कोई सेल्स मास्टर जाने से रोक सकता है या ऑटो सेल्स मास्टर जाने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं बड़े दावे से साफ कर रहा हूँ। और ये 36 अगर बोल रहा हूँ तो कोई भी आदमी, मैं ये मान रहा हूँ बाद में ये बातें आएंगी लास्ट में कि दोस्त नवाब जी जिसने बताया, जो बताया था उसका अगर आपने 50% भी कर लिया तो हो जाएगा, दोस्त आपका हो जाएगा। लेकिन आपके नीचे जो ये तीन चार लोग थे ना लेफ्ट और राइट में, शायद अगर आप अपने परसेंटेज में कटौती किए तो उसके भी परसेंट में कटौती होगा, और इस तीन चार लोगों का जो परसेंटेज कटौती होगा वो शायद 10% पे आ जाएगा, और वो शायद कभी भी सेल्स मास्टर नहीं जाएगा। तो यहाँ हमें अपने परसेंटेज में कटौती नहीं करने हैं, जो मेरा जो मानना है, हम अपने नीचे तीन चार लोगों को एजेंट बनाए लेफ्ट और राइट में, और उनके नीचे भी तीन चार लोगों को लेफ्ट राइट में एजेंट बनवाए और उनकी मैचिंग कराएं, और उनकी भी आने वाले दिन में 36 लोगों की लीडर तैयार करें, 36 लोगों की लीडर तैयार करें। वो भी बंदा दो महीने के अंदर, डेढ़ महीने के अंदर सेल्स मास्टर चला जाएगा, और ऐसे ही आपके टीम से दो दो सेल्स मास्टर लेफ्ट राइट में निकलेंगे, आप डायमंड मास्टर हो जाएंगे। और एक आप अपने न्यू डाल दी बहुत अच्छी, और वो न्यू जो है आपने डाला वो इंपीरियल मास्टर का रास्ता आपका क्लियर कर देगा, आपका इंपीरियल मास्टर का वो रास्ता क्लियर कर देगा, और इस तरह से आपके बिजनेस बहुत ही फास्ट तरीका से निकल जाएगा, बहुत ही फास्ट तरीका से निकल जाएगा। क्योंकि अगर कहा जाता है कि अगर कोई बिल्डिंग हमें खड़ी करनी है तो हमें नींव डालने में ही टाइम लगता है। आप देखे होंगे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग भी दिल्ली एनसीआर या मेट्रोपोलिटन सिटी में रहते हैं या फिर जो लोग भी गांव वगैरह में भी रहते हैं, आप देख रहे होंगे कि वहां जब घर मकान बनता है तो जो नींव होती है, जो नीचे की फाउंडेशन डलती है, उसमें टाइम लगता है और वहां पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है फाउंडेशन डालने में। लेकिन जैसे ही एक बार फाउंडेशन डल जाता है और एक फ्लोर तैयार हो जाता है तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी फ्लोर और इस तरह से एक बड़ी इमारत बनने में टाइम नहीं लगता। वैसे ही हमें अपने इस बिजनेस में जो न्यू डालनी है वो तीन चार लोगों को लेफ्ट राइट में, तीन चार लोगों को लेफ्ट में और तीन चार लोगों को राइट में एक अच्छी सी न्यू डालनी है, उनको एजेंट लेवल पे ले जाने में, और उनके नीचे एक स्टेप जरूर उतरना है।
हम अपने लिए तो कर लेंगे, तीन चार लोगों को लेफ्ट में एजेंट बना देंगे, बड़ा आसान है, और अपने राइट में भी तीन चार लोगों को एजेंट बना देंगे, लेकिन उससे कहीं जाकर के चैलेंज तब आता है जब हम उनके नीचे लोगों को एजेंट बना पाए, और उन तीन चार लोगों जो लेफ्ट राइट में थे हमारे, उन लोगों की मैचिंग हम अपने लेफ्ट राइट में दिलवा दें। ये इस बिजनेस का, जो मैं मानता हूं, सबसे बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को जो जिसने स्वीकार कर लिया और इस चैलेंज पे जिन लोगों ने काम कर लिया, उनका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और ऑटो सेल्स मास्टर ही नहीं, इंपीरियल का भी रास्ता बड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं अपने बातों को यहीं पे विराम दूंगा, और होप आपको बहुत चीजें समझ में आई होगी, और बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं भी आई होंगी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम इतना जरूर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, जो मेरा मानना है कि ये बिजनेस बड़ा आसान है, ये बिजनेस बड़ा आसान है, और यहाँ पे डुप्लीकेशन बड़ा तेजी से होता है, और हम यहाँ पे बड़े फास्ट टीम बना सकते हैं, और बड़े फास्ट हम पैसा यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि मैं दोस्त और मेरे जो मेंटर हैं भीष्म चौहान सर, और अब तो मेरी अरुण सर भी मेंटर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें बात होती है अरुण सर से, इन लोगों का 19-20 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरा तो 7-8 सालों का है, लेकिन जब इन लोगों से मेरी बात होती है तो ये बताते हैं, नवाब दूसरी कंपनी में पैसा कमाने में आंधी आ जाती है, कई साल तक तो लोग पैसे कमा ही नहीं पाते, और मैं भी जानता हूँ, मैं जब पिछले कंपनी में था वहां पे मुझे पैसे कमाने में 1.5 साल लग गए थे, और 1.5 साल में भी जो मैं पैसा कमाया था, अपना पैसा लगा के वो पीन अचीव किया था, क्योंकि उस मीटिंग में खड़ा कराई जाती थी कि कौन लोग किस लेवल पे हैं, और मुझे बड़ा शर्म आता था, यार साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, मैं खड़ा ही नहीं होता, मुझे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता, मैं अपना प्रोडक्ट उतने पैसे का खरीद करके खड़ा हुआ था और पे उठाई थी। तो ये सच्चाई है, और ये बहुत हार्ड सच्चाई है। आज मेरी कई दोस्तों से इसी बात पे लड़ाई हो जाती है, वो कहते हैं हम बेस्ट हैं, हम बोले पैसा तुम बेस्ट हो मैं मानता हूँ, तुम नंबर वन भी हो मैं ये भी मानता हूँ, तुम ग्लोबली भी हो ये भी मानता हूँ, तुम वर्ल्ड में छाए हुए हो ये भी मानता हूँ, तुम्हारे जेब में कितने पैसे आते हैं और कितने दिनों के बाद कितने पैसे आते हैं। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जो 15-20 साल लगा दिए और 20,000-30,000 रुपए आते हैं, और वो कहते हैं मैं बहुत नंबर वन कंपनी के साथ हूँ। दोस्त 15 साल पे भी अगर 20,000-50,000 रुपए आ रहे हैं ना, तो आने वाले 15 सालों में भी वही कुछ होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। तो इस बिजनेस को ओपन माइंड से देखिए, और इतना जरूर समझिए कि इस बिजनेस में बहुत पैसा है, और ये बिजनेस तो अभी न्यू रखी गई है इंडिया में, इंडिया में इस बिजनेस की न्यू रखी गई है, अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए। कोई भी काम हम आप शुरू करते हैं वहां पे कुछ टाइम लगता है, बेसिक टाइम लगती है, फाउंडेशन रखने में टाइम लगता है, हम भी अपना फाउंडेशन रखे, कंपनी भी अपना फाउंडेशन रख रही है। जब ये आप देखेंगे दिसंबर ऑनवर्ड्स कंपनी कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख चुकी होगी, और मेन जो बिजनेस शुरू होगा आपका 2021 चल रहा है, 22 में बिजनेस, मेन एटोमी बिजनेस शुरू होगा, लेकिन उसका फायदा वही लोग उठा पाएगा जो एक अच्छी सी टीम बना लिया है, और अपने टीम में एक अच्छा कल्चर डाल चुका है, और लोगों को एजुकेट कर रखा है, और जो लोग ये काम कर लिए इस दिसंबर तक, लोगों में अपने टीम में एक अच्छी वैल्यू डाल दिए और एक अच्छे अच्छे लीडर तैयार कर लिए, वो 2022 में इतने पैसे कमाएंगे ना, इतने पैसे कमाएंगे, और मुझे इस पे पूरा गर्व होता है कि मैं अपना जानता हूँ, 2022 में मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं पूरे जीवन में उतना पैसा नहीं कमाया होगा, पूरे जीवन में उतना पैसा नहीं कमाए होंगे, और यही अपॉर्चुनिटी आपके पास है। 2022 और 2023 एटोमी बिजनेस रेगुलेशन लाएगा पूरे इंडिया में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत रुपए कमाएंगे, बहुत सारे लोग बहुत रुपए कमाएंगे। तो उस समय तक हमें टिकना होगा, और टिकने से काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा और अपनी टीम बनानी पड़ेगी, उस टीम में एक अच्छी वैल्यू डालनी पड़ेगी, और हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बैक टू होस्ट। क्या बोलूं, मैं तो भूल गया मुझे क्या बोलना था, मैं तो ये भी भूल गया कि मैं होस्ट हूं। नवाब सर, वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे बस समअप कर देना चाहिए फटाफट, क्योंकि अब दिमाग आपने एकदम उड़ा दिया, हम लोगों का धुआं निकल गया दिमाग से। जो चीज मुझे नवाब सर आपके प्रेजेंटेशन में समझ में आई, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई, मैं चाहूंगा बस उस पॉइंट्स को ऑडियंस को बता करके अपना रोल अदा कर लूं। पहली चीज ये थी ना कि हम अक्सर आंसर का वेट करते हैं, उत्तर का,
और हम ये बताते हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, और हम ये भी बताते हैं कि एज एन अपलाइन आपको क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा लगा भैया प्रश्न पूछो, अपलाइन का जिंदगी अपलाइन की हराम कर दो पूछ पूछ करके जितने क्वेश्चन तुम्हारे पास। सर यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे सर, यहाँ पे ना कुछ नए लोग हैं और हैंड रेज कर रहे हैं, तो पहले उन लोगों को इनवाइट कर लें फिर बात कर लेंगे सर। प्लीज सर प्लीज। तो एक हैंड रेज है सिराउजीदीन का, उनको आप अनम्यूट कर दें। नवाब जी मैंने कर दिया है, उनका ऑप्शन दे दिया है, और आप भी को होस्ट हैं और विवेक जी आप भी कर सकते हैं। सॉरी मेरे पास ऑप्शन है नहीं अरुण सर, मेरी मोबाइल मेरे ख्याल से, तो आप जरा सा जिम्मेदारी को निभा लीजिए। सिराजुद्दीन भाई, सिराजुद्दीन जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला हुआ है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप अनम्यूट करिए और फिर आप जो भी क्वेश्चन है उसको आप पूछिए, अनम्यूट का आपको ऑप्शन मिला हुआ है। शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो हम विशाल जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए हैं। विशाल जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है, आप अनम्यूट सेल्फ कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। विशाल जी हेलो, चलिए जी। आपकी वॉयस नहीं आ रही है विशाल जी, सर म्यूट हो गया उनका दोबारा। कोई नहीं सर, कंटिन्यू करें विवेक सर, आप कंटिन्यू करें, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे दे, जब वो म्यूट कर पाएंगे तो बात कर पाएंगे। राइट सर, राइट नवाब सर। तो बहुत छोटे में जो मुझे आपकी बात समझ में आई सर, विद ऑल योर ड्यू परमिशन मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा उस पर समाप्त कर दूं, कि मुझे समझ में आया कि भैया अपलाइन से पूछो प्रश्न, उनको करो परेशान जितना जानना चाहते हो, और प्रश्न पूछने से काम नहीं चलेगा। कोई ऑनलाइन क्लास, कोई पीडीएफ फॉर्मेट फाइल या कोई ट्रेनिंग आपको ड्राइविंग नहीं सिखा सकती जब तक आप ड्राइविंग सीट पे खुद नहीं बैठो। तो एक्शन लेना है। आपने बताया सर कि अर्ली मैचिंग करने के लिए 15 से 20 दिन का रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, 3 से 4 घंटे काम करो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, टर्नओवर जनरेट करना है, सबसे पहले यूज करना है, बिकॉज कोई मैजिक बैंड अगर है किसी आप सामने वाले को देना चाहते हो तो आपके हाथ में वो मैजिक बैंड होनी चाहिए। है कुछ नहीं प्रोडक्ट, उसको ऑफर क्या करेंगे। ये भी है कि इस बिजनेस में पे आउट हमारा वीकली होता है, अगर रिजल्ट वीकली चाहिए, और हम शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट वीक से, तो हमारे पास सामने वाले को ऑफर करने के लिए यही होता है कि हम उसको प्रोडक्ट ऑफर करें और एक हफ्ते के अंदर उसके मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स को देख करके एक्साइटेड हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी तभी बिल्ड होता है। आपने सर हम लोगों को बताया कि 3 से 4 लीडर्स आपको बनाने हैं अपने राइट में और लेफ्ट में, जिनको आपको एजेंट ले जाना है। तो यहाँ पे अगर मुझे लगता है, मुझे जो समझ में आई बात वो ये है कि आप कर्म जब करना है तो अपने पर कीजिए, और जब फल निकालना है तो फल नीचे वाले का निकालिए, अपना मत निकालिए। तो होगा ये कि जब रिजल्ट आप नीचे वाले का निकाल के देंगे और वर्किंग आप खुद करेंगे तो डेवलपमेंट नीचे से ऊपर की तरफ होगा, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव होगी। मैंने सही कहा सर, एक बार आपकी परमिशन चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर सही, बट ना थोड़ा सा समर कर लें, समरी में करें, क्योंकि 9:15 पे मीटिंग को एंड करने हैं। मेरी बात खत्म हो चुकी है, और मैं ये जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा सब लोग अपने जाकर के जरा मोर के बॉक्स खोल लें, मुझे हैंडरेस चाहिए सबकी तरफ से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सिर्फ हैंडरेस कीजिए, फटाक से फटाफट मुझे हैंडरेस चाहिए। अगर आपको पूरी की पूरी रेसिपी जो कुक की थी नवाब सर ने अच्छी लगी हो तो वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, कीप इट अप, लगे रहिए। टॉपिंग्स चाहिए इसके ऊपर, इस पे टॉपिंग चाहिए, क्लैप कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर टॉपिंग चाहिए, डेजर्ट चाहिए, तो क्लैप कीजिए फटाफट, फटाफट से क्लैप कीजिए। वेरी गुड। सो डेजर्ट के लिए, टॉपिंग के लिए, जिसका हम वेट करते हैं, हमारे पास बहुत ही मैग्निफिसेंट मेंटर है, बहुत मैग्निफिसेंट लीडर है, और आपको awesome, बता दूं awesome, fantabulous, fantabulous, awesome, mind blowing, कोई वर्ड नहीं है सर, बहुत बढ़िया लीडर हमारे पास है। सारी सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा, बच्चों की तरह सिखाते हैं, आपके यहाँ आपके लेवल पर उतर के हाथ पकड़ के सिखाने को तैयार है। लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वेलकम मिस्टर अरुण सर ऑन द स्टेज प्लीज। थैंक यू विवेक सर, माइंड ब्लोइंग जिसको कहते हैं नवाब जी तो थे,
लेकिन कह रहा हूँ सर, आपका भी जवाब नहीं, कह रहे लाजवाब, कह रहे सोने पे सुहागा, मुझे लगता है ये जोड़ी सी फील आई। और आप प्रयागराज से हैं सर, मैं बड़ी जल्दी आपसे मिलूंगा, सीरियस बता रहा हूँ। क्या मतलब पर्सनैलिटी है सर, मैं मतलब फुल्ली इम्प्रेस सर, क्या आपका होस्टिंग है। तो सबसे पहले आपको थैंक यू और फिर नवाब जी को। लकी आपने ना एक्चुअली सबको बताया, हम लोग हमेशा कहते हैं कि नीचे से उतर के काम करो, मतलब सफलता अपने आप ऊपर आ जाएगी, उनकी आएगी तो ऑटोमेटिक सी बात है आपकी आएगी। तो बहुत शानदार, हम हैंड को डाउन करते हैं ताकि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले पाए सर, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा हमारा वो है, तो हैंड डाउन कर लें बाकी लोग, और जिनको भी कोई क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन करें, और 9:15 पे इसको एंड करेंगे। तो थैंक यू नवाब जी एंड विवेक जी, जबरदस्त सर, थैंक यू, थैंक यू सर। हेलो, ओवर टू यू विवेक जी, आवाज आ रही सर मेरी? यस सर, बिल्कुल आ रही। सॉरी फॉर दिस डिस्टरबेंस, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था जो सॉल्व हो गया। हमारे ख्याल से कुछ बच नहीं जाता, हमारे पास जो फर्स्ट हैंड रेसिपी है वो आ गई है, हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले थे जो हमने आपके सीखा, और मैं तो व्यस्त था अपनी नोट्स बनाने, मैंने बहुत कुछ सोचा था बोलूंगा लेकिन वो नोट्स बनाने के चक्कर में सारी बातें निकल गई दिमाग से, एंड डेफिनेटली जो चीजें मिली हैं वो बहुत बड़ी हैं। विवेक जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, जिनके हैंड रेज हैं प्लीज उनसे एक एक मिनट ले लीजिए उनके रिव्यूज। ओके सर, सर जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। हमारे पास पहला हैंड रेज है डॉक्टर अमरजीत सर का फ्रॉम सुल्तानपुर। सर प्लीज अरुण सर उनको अनम्यूट करते चले जाइए प्लीज अपनी तरफ से। श्योर सर, श्योर, ऑलरेडी मैंने ऑप्शन दे दिया। या डॉक्टर अमरजीत प्लीज, यू आर वेलकम, प्लीज बताइए सर, वी आर ईगर टू लिसन यू। अमरजीत सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अनम्यूट किया है आपको, अगेन मैं दे देता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं, तब तक हम ओंकार सिंह जी के पास। नेक्स्ट ओंकार सिंह जी, हम सुनने के लिए उत्सुक हैं आपको, अनम्यूट कीजिए, बोलिए प्लीज। ओंकार सिंह जी अनम्यूट दिया है आपको, चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर। नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर राम सिंह, सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। राम सिंह आपको अनम्यूट का राइट मिल जाएगा, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए बिकॉज हम सुनना चाहते हैं आपको। सर मैं जी, राम सिंह जी प्लीज बताइए। मैं ये चाहता हूं कि पीवी कैसे बनेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को समझाना चाहता हूं पर अच्छी तरह से समझा नहीं पाता हूं। ओके अरुण सर जी, जी प्लीज तो, सर राम सर आप किस टीम से हैं, आपके टॉप लीडर कुछ बता पाएंगे क्या? सर मैं ग्रेटर नोएडा से हूं जी, और मैं प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ इस समय, मेरा अपना ही काम है। नहीं नहीं सर, आप किसके साथ ज्वाइन हुए हैं, उनका नाम पता है आपको किसी लीडर का? रवि जी हैं। रवि जी ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करूंगा सर, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट राजेश कुमार जी को अनम्यूट कर दिया है। कुमार जी प्लीज। जी सर, राजेश कुमार जी, राजेश कुमार गिरान। राजेश जी कहाँ से हैं आप? मैं रोनी से हूँ सर। वेलकम सर, वेलकम, पूछिए सर। पूछना क्या सर, अभी तो स्टार्ट ही किया सर मैंने तो। ओके ओके, और बाकी अच्छा लग रहा है मेरे को, काफी अच्छा लग रहा है, मीटिंग जॉइन कर दी। मैं अरुण सर से बोलूंगा और सर इनको कुछ इनसाइट प्लीज आप दें। राइट सर, राजेश जी जरूर, हम लोग देखो कहते हैं आपने प्लान कल जरूर आइएगा, क्योंकि आज तो ट्रेनिंग था, कल बिजनेस प्लान है सर, उससे आपको क्लियर होगा सर, दोनों लोगों को। राइट, थैंक यू सर। कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, तो मेरे ख्याल से बातें हो गई हैं,
और हमको ये समझ में आ गया कि अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रेसिपी पहली तो परोस दी गई है, अब उस पर हमको काम करना है, एक्शन लेना है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद नवाब सर का। सर बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया, मैंने पहले भी बोला था कि ग्राउंड लेवल से ऊपर आके इनका विजन काम करता है, ये उनका विजन ऊपर से नीचे नहीं जाता। अरुण सर की प्रेजेंस थी, भीष्म सर की प्रेजेंस है, जबरदस्त चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे पास कुछ समय बचे हैं, अरुण सर अगर आप इजाजत दें, भीष्म सर अगर आप इजाजत दें, तो मैं चाहूंगा कि कुछ और लीडर्स हैं जिनको अगर हम लोग सुन सकें प्लीज। यस सर, यस श्योर सर, अप टू यू सर, हमारे पास अभी 9 मिनट हैं, कंटिन्यू। तो सर आप प्लीज, मैं चाहूंगा सर आपके ही लेवल से, आपके आशीर्वाद से कोई एक नाम निकले जिनको हम सुन सकें प्लीज। तो नवाब जी का ऑलरेडी हो चुका है सर, बहुत शानदार। नवाब जी सबसे पहले, और मैं भीष्म जी को जरूर सबसे पहले इनवाइट करूंगा। भीष्म जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे अभी विवेक जी बात कर रहे हैं, विवेक जी रियली आपकी जो होस्टिंग है, आई थिंक सो यहाँ पे सभी को पसंद आई होगी, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद आई, एंड यू विल बी अवर की स्पीकर इन द फ्यूचर, डेफिनेटली नो डाउट इन इट। यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर इन दिस सर्कल WTI एंड अरुण सर की टीम में। और जो आज नवाब ने बताया आप सबको और हम सबको, वो जस्ट फॉलो करने वाली बात, उसको इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। हम यदि इम्प्लीमेंट कर जाएंगे तो बहुत जल्दी हम लोग उस दिन से दूर नहीं है जहां पे हमारी सक्सेस हमारे सामने होगी, नो डाउट इन इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, अरुण सर, थैंक यू विषम जी। और नेक्स्ट मैं डॉक्टर साहब को भी इन्वाइट करता हूँ, डॉक्टर एस कुमार। और भी कोई पूछना चाहता हो, बात करना चाहता हो, तो अनम्यूट कर सकते हैं, बताते हैं, हैंड रेज कर। डॉक्टर साहब कंटिन्यू। अरुण सर थैंक यू वेरी मच, और नवाब साहब ने जो चीजें बताई वाकई में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली थी। और सबसे बड़ी बात थी कि जो नए लोग आए थे, मैं देख पा रहा था, जिन्होंने आज तक बिजनेस मीटिंग नहीं ली है, वो भी एंड तक बने रहे, और ये बहुत बड़ी बात है कि जिसको सिर्फ बिजनेस से लेना देना होता है, पैसे से लेना देना होता है, आज की मीटिंग में अगर वो बने हुए थे तो ये अच्छी बात है और बड़ी बात है। देखिए सारी चीजें, जैसा कि नवाब जी ने बोला, एक्यूरेटली ठीक बोला, कि सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एटमी जब शुरू हुई होगी तो लोगों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, और उस समय दो केसेस हुए होंगे, एक ने अपने वाई को क्लियर किया होगा और एक ने जस्ट चलने फिरने और टेक ग्रांटेड लिया होगा। जिन्होंने टेक ग्रांटेड लिया था कि देखेंगे होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, वो आज शायद अपने स्थिति में मेंटेन है, मतलब जिस कंडीशन में थे वो उसी कंडीशन में होंगे। लेकिन कई सारे लोग उनमें से आज इंपीरियल मास्टर बन चुके, मतलब 6 करोड़ रुपए यहाँ से ले चुके कंपनी से, और लगभग 70 लाख से 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और उन्हीं के साथ ज्वाइन करने वाले ज्यादा समझदारी में क्विट करके बैठ गए होंगे, और उनकी आईडी टर्मिनेट हो चुकी होगी, जैसा कि आपको पता है एटमी में हो जाता है। अगर एक साल तक आप इनएक्टिव रहेंगे तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, और हो सकता है आपके नीचे बहुत विशाल टीम हो और आप उसका फायदा भी ना ले सके। तो सारा खेल आपके थॉट प्रोसेस पे है, जैसा आप सोचेंगे, जो आप करना चाहेंगे, जो आप बनना चाहेंगे, तो आप वो डेफिनेटली बन जाएंगे। ड्रीम्स आपके सॉलिड होने चाहिए, अगर आपके ड्रीम्स सॉलिड है तो आंख खोलेंगे तो भी आपको ड्रीम नजर आएगा, और आंख बंद करेंगे तो भी वो ड्रीम नजर आएगा। और अगर आप बहुत कमजोर हैं ड्रीम के मामले में, बहुत कमजोर हैं अपने फ्यूचर को बनाने के मामले में, तो डेफिनेटली जितनी मेहनत आज नवाब जी ने की वो सब व्यर्थ है, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर 1% भी आपके अंदर सोच समझ है तो डेफिनेटली आपकी क्लास आपको वो देगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। थैंक यू नवाब जी, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू अरुण सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब हम दो लोगों को ले लेते हैं, ओंकार सिंह जी को अगेन अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ओंकार सिंह अनम्यूट करें जी। ओंकार जी आपकी आवाज आ रही, थोड़ा सा तेज बोले और पूछे क्या पूछना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सभी को, ओंकार सिंह।
और स्वागत है सर। जी जी जी, पूछना कुछ नहीं है, क्वेश्चन कोई नहीं है। नवाब भाई आपको बहुत बहुत बधाई, मैंने फर्स्ट टाइम आपकी वॉइस कट रही है सुना है, सेशन आपने काफी लिए हैं लेकिन थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ। हाँ थोड़ी सी अभी भी है। हाँ जी सर। हाँ तो नवाब भाई को मैं बोल रहा हूँ, नवाब जी को बहुत बहुत बधाई और थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, पूरा सुना। अभी पहले मेरा नाम लिया जा रहा था तो मैं कहीं बिजी था, फोन आ गया था, और बहुत बहुत बधाई आपको सर, थैंक यू। थैंक यू उनका। और रविंद्र जी, सर नमस्कार ऑल टीम। नमस्कार सर। और मैं नाम रविंद्र कुमार, दिल्ली से ही हूँ, और मेरे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर एस कुमार, और मेरे सीनियर अपलाइन भीषम सर, और मेरे और सीनियर अपलाइन अरुण सर। सर बहुत तरीके से सर इस चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट जैसे नए लोगों को पढ़ाया जाता है शुरू शुरू में, उस तरीके से आप इसको बिजनेस को बता रहे हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग इनगोर भी कर देते हैं इसके अंदर, लेकिन जो सीख गए और कर गए उनकी लाइफ में ये लगता है कि दोबारा वो नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा ही उनके पास इतना आएगा, वो लोगों को आगे काम देने वाले बनेंगे। और जी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, अपने नवाब जी का जो प्लान है बहुत सुबह था और बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू नवाब जी इस चीज के लिए सर। थैंक यू पॉइंट के हिसाब से एक एक चीज को बारीकी से निकाल के सबको समझाया सर। थैंक यू सर। थैंक यू रविंद्र जी। ओके सर। सर हमारे पास 2 मिनट हैं। मिस्टर सरोज कुमार मलिक हैं, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर जी, बताइए। नवाब साहब गुड मॉर्निंग, विवेक जी गुड मॉर्निंग, सर अरुण सर, सब लीडर्स को गुड मॉर्निंग। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ। मैं पक्का ध्यान से सुना और जो भी नवाब जी बोले सब लिखा हूँ, एंड मेरा अपलाइन तो बहुत कुछ लीडर्स है, सबका नाम बताने का टाइम नहीं था, टाइम शॉर्ट हो गया। आज का मेन सब्जेक्ट जो था ग्राउंड लेवल से काम करना, मैं वही काम शुरू कर दिया। बहुत लोग मुझे जानते नहीं, मैं उनको नहीं जानता था, लेकिन फॉलो थ्रो करके उनको पॉजिटिव करा रहा हूँ और बिजनेस में ला रहा हूँ। मैक्सिमम चीज विष्णु सर को पता है इसका बारे में, तो नवाब साहब को धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्लान हुआ, विवेक जी का भी जबरदस्त हुआ होस्टिंग। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत लीडर आ रहे हैं। थैंक यू सर। तो विवेक जी लास्ट नोट समाप्त करें सर फिर। बिल्कुल एक बार और सभी का नवाब सर, भीष्म सर, अरुण सर, डॉक्टर एस कुमार सर, एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस फैंटाबुलस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है यहाँ की जितनी ऑडियंस है तीन तरह की ऑडियंस है, एक के मन में शुरू में सवाल थे, थैंक यू। दूसरों के मन में ये होगा कि सवाल अभी आने वाले होंगे, और तीसरे टाइप के लोग हैं जिनके मन में कोई सवाल नहीं था। बिलीव मी ऐसे नहीं आएगा, आप काम करना शुरू कीजिए। नवाब सर ने बताया है उसके एक एक टेनेट्स को फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आप काम करना शुरू करेंगे सर, एक एक स्टेप पे आपके 100-100 सवाल खड़े हो जाएंगे, बिलीव मी। और उन सवालों से डरना नहीं है, सवाल खड़े होते हैं, गो बैक टू अपलाइन, पूछिए उनसे, अपने रिजोल्यूशंस लीजिए सवाल के, बिकॉज कई बार सवाल हमें नेगेटिव कर देते हैं लेकिन आंसर कभी नेगेटिव नहीं करते। आई वुड सजेस्ट अपने अपलाइन के टच में रहें, अपलाइन को जितना परेशान कर सकते हैं प्लीज करिए, बैठे हुए अपलाइन परेशान होने के लिए, उनसे 100-100 क्वेश्चंस पूछिए, भर भर के पूछिए, अपना रिजोल्यूशन लीजिए, and keep doing this very 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 good business opportunity which has been given to us by Atomy India. बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, यूज कीजिए, पैसा कमाइए। लास्ट मोमेंट पे बोलूंगा गुड मोर अर्निंग टू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी आर वाइंडिंग अप मीटिंग हियर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जय हिंद सभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।